सत श्री अकाल, मेरा नाम अतुल जोशी है। मैं तुम सारे जिहड़े भी इस वेले सुन रहे हैं मैं इस लाइव प्रोग्राम उन्होंने सारे मैं अपने वालों और रेलीगेट हेल्थ इंश्योरेंस और फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली वालों सारे बहुत इस्तकबाल करता है। और मैं इस गल की बड़ी तसली है कि इस औखे घड़ी के इस डिफिकल्ट टाइम के मैं मौका मिले कि मैं थोड़े तो नाल जुड़ सकता और इस बीमारी बारे कुछ गलबात कुछ अपने विचार थोड़े तो साझे कर सकता। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ने मेरे हॉस्पिटल में अप्रोच किया और मेरी ये जिम्मेदारी लगाई कि बतौर एक सर्जन और बतौर एक डॉक्टर जो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल काम कर रहा है कि मैं अपने विचार थोड़े सारे पास भी कर सकता। जोड़ा एजेंडा रेलीगर हेल्थ इंश्योरेंस ने मेरे मैंने दिता है वेद उन्होंने एक सवाल जोड़ा बड़ा अहम सवाल साढ़े सारे सामने मुड़ मुड़ आता है जिसे बारे असी बहुत विस्तार पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं गल कर चुके हैं बट फिर भी शायद इस गल की लौड़ है कि असी इन सारे मुद्दों पर इन सारिया चीज़ों के उपर मुड़ विचार करिए बार बार इस गलते तवज्जो देिए ताकि इस बीमारी नाल जड़ा नबेड़ा करना है इस पर जित पानी है वो सू मदद मिल सके। ये भी सच है दोस्तों कि कोविड जी बीमारी है यदा कोई भी मेडिकल इलाज अजे तक मुकम्मल तौर पर संभव नहीं। सब तो बड़ा यदा इलाज जड़ा खून के आया है वो तो प्रिवेंशन है इस तो बचन के जोड़े सोच है उपराले हैं वो असं सफल होइए वो शायद ज़्यादा कारगर हों बनस्बत ये कि असी इलाज के वाल मिलिए। सोशल डिस्टेंसिंग बारे असी आम तौर पर बहुत विस्तार न्यूज़पेपर के मद्देनज़र सोशल मीडिया के उपर खबर जिथे भी असी जाइए साढ़े मानयोग प्रधानमंत्री साहब ने सोशल डिस्टेंसिंग पर बहुत जोर दिता। तो जी सोशल डिस्टेंसिंग है ये एक मूल मंत्र बन के इस बीमारी नाल निजिठण वास्ते एक ब्रह्मास्त्र करके सामने आया। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों और किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग साड़ी जी रिसर्च है ये इस गल नूं शो करती है कि जे दो आदमियों के विच दो बिटवीन टू पीपल टू परसनस जे डिस्टेंस तकरीबन 6 फुट का रहे या 2 हाथ की दूरी रहे तो वो साढ़े वास्ते सेफ हो जाएगा। क्यों असी ये डिस्टेंस मिथ्या है सोशल डिस्टेंसिंग का क्योंकि असी इस गल नाल बहुत भली भांति हम जागरूक हो चुके हैं कि ये जिहड़ी बीमारी है ये या तो जिस वेले मैं तुहाडे नाल गल कर रहा या किसी आदमी के नाल गल कर रहा तो मेरे जिहड़े साह दे नाल या मेरे जिहड़े बोल दे विच जिहड़े ड्रॉपलेट्स बाहर आउंदे हैं या गिरदे हैं उन्हां दे नाल फैलदी है। दूसरा मेजर जिहड़ा तरीका है इस बीमारी दे फैलण दा वो खंघण दे नाल छिकण दे नाल या स्नीजिंग दे नाल जिहड़े ड्रॉपलेट्स बहुत फोर्सफुली बाहर प्रोजेक्ट हुंदे हैं उहदे नाल ये बीमारी जिहड़ी फैलण दी फैलण दी समर्था रखदी। जिहड़ा दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जिहदे नाल ये बीमारी फैलदी है वो टच दे नाल या किसी सरफेस दे विच जे वायरस ऑलरेडी खंघण नाल छिकण नाल या किसी ऐसे मरीज तो जिहदे कोल जिहदे विच ये बीमारी के लक्षण या वायरस ऑलरेडी अवेलेबल है वो किसी सरफेस नूं छूंदा है उत्थे उहदे ड्रॉपलेट या वायरस खून दे विच आ जांदा है तो असीं देखते हैं कि उस सरफेस नूं टच करन दे नाल ही ये जिहड़ी बीमारी है ये फैलन की समर्था रखती है। पर आपां अपनी प्रायोरिटीज़ नूं सही रखिए ज़्यादा जिहड़ी बीमारी तो फैलन का खतरा है वो छिकण दे नाल जे असीं मूँह के उपर मास्क नहीं पाया रुमाल नहीं बन्या कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो उहदे नाल जिहड़े बोल दे विच ड्रॉपलेट्स आउंदे हैं उहदे नाल भी ये बीमारी फैलन की समर्था रखती है। और इन सारे रीजनस करके सो असी जे इन मैं समराइज़ करा जे इन मैं निचोड़ क्ढा तो सिर्फ दो मोटे तरीके हैं जिद इन्फेक्शन फैलती है। एक
ड्रॉपलेट्स दे विच जिहड़े मेरे मूँह थाणी मेरे नक थाणी छिकण नाल खंघण नाल बोलण दे नाल बाहर आउंदे हैं। और दूसरा जिहड़ा तरीका है वो किसी सरफेस दे विच जे वायरस किसी वजह नाल गिर गया है तो उत्थों ये टच दे नाल किसी ने उस सरफेस नूं छूया और छूण तो बाद वही हाथ वो वायरस दे नाल जिहड़े जिथे वायरस टच कर गया है उस हत्थां दे नाल असीं चेहरे नूं हाथ लगाया नक नूं हाथ लगाया या फेस नूं हाथ लगाया इहदे नाल इह वायरस फैलण दी संभावना है। तो इत्थे ही सोशल डिस्टेंसिंग की जिहड़ी इंपोर्टेंस है वो सामने आउंदी। सोशल डिस्टेंसिंग दे नाल की होएगा जे असीं किसी भी आदमी दे नाल 6 फुट का एक सेफ डिस्टेंस बना के रखा तो ओबियसली इस बीमारी को लिमिट करन दे विच सानूं सफलता मिलेगी। ये सानूं देख के चलना पएगा कि इलाज इस बीमारी का है नहीं। दूसरी वड्डी जिहड़ी इस बीमारी की मार है वो इस वजह करके है कि इहदा जिहड़ा इनक्यूबेशन पीरियड है मतलब कि बीमारी वायरस के शरीर के एंटर करन के बाद इस बीमारी के शरीर के एंटर करन के मगरों असीं ये देखते हैं कि तकरीबन 4-5-6 दिन मिनिमम लगते हैं इस बीमारी के लक्षण आने के। जे असी उस इनक्यूबेशन पीरियड की टोटल लेंथ देखिए वो तकरीबन 14 दिन तक एक्सटेंड करती है और उस पीरियड के विच ये पॉसिबल है संभव है कि उस पेशेंट नू उस बंदे नू उस मनुख नू उस भैन नू या भरा नू किसी भी तरह के बीमारी के लक्षण ना हो। वो वायरस कैरी कर रहा है वो वायरस कैरी बेशक कर रहा है लक्षण अजे नहीं आए बट इनफेक्शन फैलाने की समर्था वो आदमी या औरत वो रखती है। इस करके साढ़े लिए बहुत बहुत जरूरी है कि जिहड़ी सोशल डिस्टेंसिंग ते सारे माहर साढ़े जिन्हें पोलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें हेल्थ प्रोफेसनल्स हैं जिन्हें सलाहकार हैं वो बार 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 इस गल ते जोर देंदे हैं इस गल ते तवज्जो देंदे हैं कि असीं सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेनटेन करिए। एडवांटेज उहदा ये है कि जे असीं सोशल डिस्टेंसिंग नूं मेनटेन कीता है तो वह बीमारी नू जे किसी नू है तो उत्थे ही रोकण दे विच सानू मदद मिलेगी क्योंकि जे असी क्लोज कॉन्टैक्ट दे विच आउने हैं क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब 6 फिट 2 हाथ की जिहड़ी डिस्टेंस असी बार बार तुहानू जिहदे ते जोर पाउने हैं जे उस तो घट रखते हैं तो फिर उहदे विच इह बीमारी दे फैलण दे बहुत बहुत ज़्यादा आसार बन जाते हैं। उहदी जिहड़ी बीमारी जिहड़ी फैल रही है उहदे विच फिर सानूं मुश्किल आउंदी है। दूसरा क्वेश्चन जिहड़ा आम सानूं लोग पुछदे हैं वो ये पुछदे हैं कि इहदा इलाज की है। मैनू ये तुहाडे नाल सांझ करन च तसल्ली है कि तकरीबन 80-85% पेशेंट्स जिहड़े हैं वो इस बीमारी दे तो लड़न दे विच कामयाब हो जाते हैं। कोई बहुत भयंकर उन्हां ते जिहड़ा इस बीमारी का आघात है या उहदा असर है वह नहीं 80% पेशेंट दे विच आउंदा। अबाउट 15% 17% 18% पेशेंट्स दे विच ये बीमारी लक्षण लैके आउंदी है और वो जिहड़े लक्षण है वो माइल्ड भी हो सकते हैं वो सीवियर भी हो सकते हैं। और जिहड़े माइल्ड जिहड़े लक्षण है उहदे विच खांसी का होना बुखार का आना साह का चढ़ना या जिहनूं असीं ब्रेथलेसनेस कह रहे हैं और बहुत घट गिणती विच कुछ पेशेंट नूं इस तरह भी महसूस होंदा है कि साडे सुंघण दी शक्ति चली गई है जे सानूं जिहड़ा खाण दा जो खाण पीना है साडा उहदे विच टेस्ट दे विच सानूं कमी आ रही है। सो प्रीडोमिनेंट जिहड़े सिम्पटम है वो माइल्ड जिहड़े सिम्पटम है वो इस तरह के होंगे हैं बट बहुत थोड़ी तादाद दे विच तकरीबन 2-3% लैस दैन 5% ऑफ द पेशेंट्स उन्हां विच असीं ये देखते हैं कि जिहड़े लक्षण हैगे हैं ये बहुत प्रोनाउंस हो जाते हैं। प्रोनाउंस का मतलब की होंगे बढ़ चढ़ के आते हैं साह लैण दे विच दिक्कत होंदी है पेशेंट नूं ऑक्सीजन की घाट महसूस होंदी है तेज़ बुखार जिहड़ा टुटदा नहीं और ये जिहड़े पेशेंट्स हैं जब बहुत सीरीयस कंडीशन दे विच आउंदी सिचुएशनस होंदे हैं फिर सानूं उन्हां नूं हॉस्पिटलाइज भी करना पैंदा। बट आपां ये मन के चलिए दैट 80-85% ऑफ द पेशेंट्स दे डू वैल उन्हां नूं इस बीमारी नाल अपने इम्यून सिस्टम दे नाल ही उहदे विच इन्हां इस बीमारी ते काबू पाउण दी समर्था रखते हैं।
जिहड़े पेशेंट सीरीयस हो जाते उन्होंने फिर सानू होस्पिटलाइज करना पैंदा आईसीयू दे विच रखना पैंदा और लोड मुताबक उन्हां दा इलाज करना पैंदा। बट मैं फिर मुड़ के जिथों मैं शुरू किया उस गल ते तुहाडे नाल रूबरू होऊंगा वो ये है कि द बेस्ट थिंग जो सब तो बेहतर चीज़ आप कर सकते हैं दैट इज़ टू प्रिवेंट दिस इनफेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट अहम चीज़ है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पे किसी ऐसी जगह पर ना जाइए जिते बहुत ज़्यादा इकट्ठ है जिते बहुत ज़्यादा भीड़ है लोड़ मुताबक जिहड़ा बहुत जरूरी काम है उत्थे ही जाने की जरूरत है और उत्थे भी जिस वेले तुसीं जाना है तो पूरी की पूरी एहतियात लैके जाना पूरी एहतियात दे विच मास्क पाउणा बहुत जरूरी है और असीं अक्सर मैं अपनी प्रैक्टिस दे विच फोन दे विच मैं देखिया है कि असीं मास्क तो पा रहे हैं पर जिहड़ी मास्क का एक एटीकेट है उहनूं असीं नहीं निभा रहे। एटीकेट का की मतलब है कि मास्क नूं बार बार टच ना करो क्योंकि वो जो मास्क है वो पोटेंशियली इनफेक्टेड हो सकता है और जिहड़ा जे तुसीं कपड़े का मास्क पा रहे हो तो उहनूं तरतीब बार मुकम्मल तौर पर रोज़ जरूर वॉश करो। ये नहीं कि एक बार असीं मास्क लै लिया तो उहनूं असीं दिन ब दिन चलाई जा रहे हैं बिना इस गल दे ध्यान किए हुए कि उन्होंने आखिरी बारी किस वेले वॉश किया। जे तुसीं डिस्पोजेबल मास्क लै रहे हो चाहे वह N95 मास्क है या सर्जिकल मास्क है इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो मास्क है वो सिंगल यूज़ की तरह यूज़ किया जाए। ये नहीं कि एक बार असी मास्क लै लिया उन्होंने पा लिया फिर किसी जगह रख दिता थोड़ी देर बाद फिर सानू किसी जाने की लोड़ पैंदी उस मास्क में उतो ही किसी इनफेक्टेड जगह तो बेशक चक के दोबारा पाया और फिर उन्होंने इस्तेमाल करते चले गए। सो वो कोई बहुत सियाणप वाली गल नहीं। सो सिर्फ ये सोच लेना कि असी मास्क पाया असी प्रोटेक्टेड हैं शायद वो सच नहीं। मास्क पाना जरूरी है बट मास्क के एटीकेट्स में मेनटेन करना भी शायद उन्ना ही जरूरी है। इट इज़ नॉट असेंशियल ये जरूरी नहीं कि असी एक मेडिकल ग्रेड मास्क ही पाना है असी N95 N97 या N100 मास्क पाना है या कोई बहुत महंगा असी मास्क पाना है। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि तुसी अपना हैंकी जिहड़ा वॉश किया होया थोड़ा हैंकरचीफ या रुमाल जिन्हों असी कहने उन्होंने डबल लेयर या ट्रिपल लेयर करके जो तुसी बनाया होगा। एंड एक होर मैं रिक्वेस्ट करनी अपने श्रोतों सुन वाले कि जिस वेले तुसी मास्क पाने हो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि थोड़ा नक और मूँह दोनों प्रॉपरली कवर करो। असी ये देखते हैं कि मूँह के उपर मास्क लगाया होया बट वो जो नोज़ है जो नक है वह अनकवर है। जे इस तरह की कोताही हो रही है तो दैन इट डिफीट्स द पर्पज सा जो मकसद है वो असी फेल होंगे हैं क्योंकि मास्क पाया पर सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी मेनटेन करें मास्क पाने के बाद बावजूद भी और कोई भी इस तरह का जो गैर जरूरी काम है जिन्होंने असं टाल सकते हैं वो वास्ते बाहर जाने की बिल्कुल भी खेचल ना करो क्योंकि जिन्नी बारी तुम अपने आप में एक्सपोज कर दो अननेसैसरी एक्सपोजर देने हो तो वो इनफेक्शन होने की जी संभावना है वह बढ़ती चली जाती है। कोई भी ग्रुप एक्टिविटी है किसी के घर सोशलाइज करने वास्ते जाना है या किसी होर काम लिए तुम जो अवॉयडेबल काम है पार्क के इकट्ठे असं देखते हैं आम बजुर्ग बैठ के अपने विचार सांझे करते हैं कि चलो कोई नहीं इकट्ठे बैठ के बहुत दिन के लॉकडाउन तो बाद असं बाहर निकले हैं आस पास बैठ के सलाह कर लें थोड़ा मन का थोड़ा जहा रुझेवा हो जाएगा थोड़े विचार सांझे हो जाएंगे काइंडली इस गल को पक्के तौर पर तुम अवॉयड करना है। किसी भी तरह का गैर जरूरी इकट्ठ बिल्कुल अवॉइड करो और जे कोई बहुत जरूरी काम है सपोजिंग तुम दवाई लैन जाना है मास्क पा के अपने आप को प्रॉपरली कवर करके सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी मेनटेन करनी है। इफ यू आर जे तुम चेहरे पर बहुत अच्छा मास्क पाया हुआ है बावजूद ये जे तुम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेनटेन कर रहे तो जी कोविड की इनफेक्शन है अनफॉर्चुनेटली इन्नी ज़्यादा ये इनफेक्टिविटी है इन्नी ज़्यादा ये इस वजह नाल तेज़ी नाल फैली है कि आपू अपने खून दे विच अपने कोल जिन्ने भी तरीके हैं इस तो बचण दे सानू सारे दे सारे ही अपनाने पैणगे। जे असी नहीं करांगे तो ये बीमारी दे उपर रोक पाउण दे विच इहनू इस दे उपर थम करन दे विच सानू परेशानी आ रही है आएगी और आंदी चली जाएगी। असी देख रहे हैं कि साडी सरकार ने साडे सूझ बूझ वाले लीडर्स ने साडी एडमिनिस्ट्रेशन ने
साडे मेडिकल फ्रटर्निटी ने बहुत मुशक्कत दे नाल बहुत शिद्दत दे नाल ये लॉकडाउन नूं निभाया। बट उसके बाद जब सानू असी लॉकडाउन तो बाहर निकल की कोशिश कर रहे हैं तो असी जिहड़ी अपनी अपना गार्ड है या जिहड़ी अपनी सोच है उन्हूं ढिल्ला नहीं होने देना। असी ये नहीं सोचना कि लॉकडाउन जिनी देर जरूरी सी हुण हो गया, नाउ वी आर अ फ्री बर्ड, हुण आपां बाहर निकलीए तो जिहड़े भी पेंडिंग काम है आपां उह कर लईए। सानू ये सोच के ये मन के चलना पएगा दोस्तों कि जिहड़ी कोविड की बीमारी है उस ते जिन्ने प्रोजेक्टेड जो असी सोच रहे सी जिन्ने भयंकर रूप दे विच ये सानू ग्रसित कर सकती है उस तो बेशक सानू थोड़ा जा उहदे च रिलीफ मिलिया हो सकता है, बट हजे भी खतरा टलिया नहीं है। हजे भी सानू अपनी जिहड़ी रिजॉल्व है और जिन्नी भी असी एहतियात वरत रहे हैं उहनू पुरजोर वरतन की लोड़ है। किसी भी तरह का आपां उहनू लाइटली लैण की समर्था दे विच नहीं है। असी देख रहे हैं हजे भी बिकॉज ऑफ सोशल कॉजेस बहुत सारी मूवमेंट सानू समाज दे विच देखनी पै रही है, झेलनी पै रही है। इस सारी की सारी जिहड़ी मूवमेंट है दिस ए इस गल दे विच इस बीमारी दे वाधा करन दे विच बहुत आसानी दे नाल तब्दील होने की समर्था रखती है। तो इस करके बहुत जरूरी है कि असी इस बीमारी की जिहड़ी मारक शक्ति है उहनू लाइटली ना लईए। एक गल मैं इत्थे होर कहनी है जिहड़ी सोशल मीडिया पर बहुत बारी कही जा चुकी है कि ये जिहड़ी बीमारी है जिहड़े लोग जिन्हां नूं ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, चाहे वह डायबिटीज़ है, चाहे वह हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, साह की कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, ओवरवेट की प्रॉब्लम है, किसी ने स्मोकिंग करन की किसी ने पहला आदत सी जिहदे करके लंग्स उन्होंने ऑलरेडी कमज़ोर है तो उन्होंने ये ज़्यादा मार कर। बट आप इस गल तो बिल्कुल नसेट ना हो जाइए अपने आप को। वी शुड नॉट असी इस गल सोचना पईए कि जिन्हों इस ये प्रॉब्लम है उन्होंने इस बीमारी ने होना ही होना, ये नहीं, ये सच नहीं। ऑफकोर्स ये उन्होंने पेशेंट्स के जिन्हों ये प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उन्होंने ज़्यादा ये मार कर दी है। बट एट द सेम टाइम ये भी रिसर्च शो कर रही है कि जोड़े बुजुर्ग हैं या जिन्होंने कोई इस तरह की प्रॉब्लम है उन्होंने उन्होंने इच्छा शक्ति जी है इस बीमारी के नाल लड़न की आम आदमी उन्होंने ज़्यादा है। तो इस करके इट इज़ नॉट एज एफ कि जे किसी कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कोई डायबैटिक है और एल्डरली परसन है उसमें यह बीमारी होनी होनी है, ये सच नहीं। बट परमात्मा वाहगुरु ना करे जो उन्होंने इस तरह की यह बीमारी होंगी है तो वो मारक शक्ति या उसकी जिहड़ी इनॉमिटी है या उसकी सीरियसनैस है वो ज़्यादा हो जाती है। इस गलों असी तुहानूं इह परहेज़ करन लई बार बार जोर देंगे। होम क्वारंटाइन बारे रैली केयर इंश्योरेंस वाले ने मैं सवाल पाया सी कि होम क्वारंटाइन बारे भी डॉक्टर साहब तुसीं सानूं कुछ दसो। होम क्वारंटाइन जिन्हां नूं असीं कर रहे हैं ये दोस्तों ये मन के चलो ये कोई सज़ा नहीं, ये एक सेफ्टी लैच है, ये तुहाडे भले वास्ते है कि जे कोविड टेस्ट कोई पॉजिटिव आया है या कोई आदमी ट्रैवल करके आया है किसी एंडेमिक एरिया दे विच आया या किसी पेशेंट दे नाल, चाहे वह हेल्थ केयर वर्करस हैं, चाहे वह सिक्योरिटी स्टाफ है, पुलिस वाले मेरे भैन भरा हैं या होर इस तरह के लोग जिहड़े फ्रंटलाइन वर्करस है जिहड़े एंडेमिक एरिया दे विच काम कर रहे हैं या किसी जिहड़ा कोई पेशेंट पॉजिटिव टेस्ट होया उहदे कॉन्टैक्ट दे विच आए हैं उन्होंने जो असी क्वारंटाइन करने की सलाह देने तो यह सज़ा नहीं है, ये उन्होंने प्रोटेक्शन वास्ते एक एक तरीका है। और होम क्वारंटाइन दे विच एक हवादार कमरा होवे, प्रेफरेबली एक सैपरेट वॉशरूम होवे, उन्होंने घट तो घट चाहे फैमिली के मैंबरस हैं वो एक हवादार कमरा होवे जिहदे विच वेंटिलेशन प्रॉपर हो। तो ये सारिया चीज़ों का जो असी ध्यान रखिए तो जिहड़ा क्वारंटाइन वाला टाइम है ये भी बहुत सुचजे तौर दे नाल और बहुत सक्सेसफुली असी इहदा निपटारा कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल के बारे रैली केयर इंश्योरेंस वाले ने गल करन वास्ते कहा ये जिहड़ी लाइफ स्टाइल है ये सब तो इंपॉर्टेंट और शायद एक अहम आस्पेक्ट है इस बीमारी के नाल लड़न वास्ते। जे असी साडा खाना पीना सुथरा है, एक्सरसाइज का रेजिमेन है,
वेट असी कंट्रोल दे विच रख रहे हैं, चाहे लॉकडाउन या असी घरों काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम सम ऑफ अस, तो ये बहुत जरूरी है कि जेड़ा तुहाडा रूटीन है वह बनिया रहे। समय से उठना, समय से सौना, सही खाना, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सारिया चीज़ा इस बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू तो ही नहीं, असी बहुत चिर तो इन गलों पर हमेशा जोर देंदे आए हैं, और अज की घड़ी दे विच इस इन गलों की इस ये जी सलाह है हेल्दी लाइफ स्टाइल की, ये होर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जे असी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाने हैं, असी इनू फॉलो करते हैं, तो वो इस बीमारी तो बचण की, इस बीमारी से जित पाउण की साडी समर्था दे विच ज़्यादा वाधा हो जाता। इहदे अलावा मैनू ये कहना मैं जरूरी समझदा है कि जिथे तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का सवाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं फोर्टिस मोहाली विखे काम करना, असी अपनी ऑर्गनाइजेशन दे विच अपने हॉस्पिटल्स दे विच हर तरह की तैयारी की है कि जे परमात्मा ना करे किसी नूं ये बीमारी हो जाती है तो असी उन्हूं तरीके से सही तरीके दे नाल उन्हूं उस मरीज़ नूं बेस्ट पॉसिबल केयर दे सकी। इन आर हॉस्पिटल असी ओपीडी दे विच बदलाव किए हैं, अपने हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स दे विच बदलाव किए हैं, साडा जिहड़ा सीटिंग अरेजमेंट है उहदे विच असी बदलाव किए, जे तीन सीटा है तो विच वाली सीट असी खाली रख रहे हैं, जिहड़ा भी पेशेंट या उन्हां दा परिवार या उन्हां दा अटेंडेंट हॉस्पिटल दे विच एंटर करदा है, असी उन्हां रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि अपने बार बार अपने हैंड सैनिटाइज करो, तुसीं अलकोहल जिहड़े सैनिटाइजर्स हैं असी जगह जगह पर मुहैया करवा रहे हैं, असी उन्हां नूं इनकरेज करते हैं बार बार हैंड वॉशिंग वास्ते, असी उन्हां नूं इनकरेज करते हैं जे तुहाडे कोल फेस मास्क नहीं है या तुसीं उन्हां नूं काफ़ी देर तो यूज़ कर रहे हैं तो हॉस्पिटल माई हॉस्पिटल फोर्ट इज़ मोहाली इज प्रोवाइडिंग कि तुसीं फेस मास्क साडे उत्तों साडे वल्लों लो, और होस्प ओटी दे विच ऑपरेशन थिएटर दे विच जिथे मैं काम करना हर तरह की सैग्रीगेशन टू प्रोटेक्ट आर पेशेंट्स हैज़ बीन डन। असी हर तरीके दे वल्लों चाहते हैं कि जिहड़े साडे मरीज़ हैं उन्होंने संबंधी हैं उन्होंने परिवार के मैंबर आम हैं जिहड़े हॉस्पिटल दे विच मजबूरन किसी वजह नाल जिन्हां नूं आना पै रहा है, वी वुड इनकरेज कि तुसीं जे हॉस्पिटल नहीं आने की लड़ पैंती, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट, बट इन केस जे तुहानूं हॉस्पिटल की लड़ है, सर्विसिज की लड़ है, तो आर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज़, असी गियर्ड अप हैं टू लुक आफ्टर यू विद सेफ्टी, विद कंसर्न, विद एम्पथी। इन गलों के नाल फिर मैं अपनी टॉक में इतने विराम देना, जे थोड़े कोई सवाल होएंगे तो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया।